तो गाइज मेरे सामने आप देख सकते हो सूर्य चक्र है और कितना बढ़िया लग रहा है ये, और लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो फाइनली आपके बीच में हम आ चुके हैं वीडियो लेके। तो अभी मैं अयोध्या पहुंच चुका हूं, अभी मैं राम मंदिर के अंदर हूं। गाइस देख सकते हो आप कितना ज्यादा यहाँ पे फॉग है और कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ कवर करके दिखाऊंगा। पहले तो आप देख सकते हो फॉग कितना ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो इस वीडियो में जैसा भी होगा कवर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। तो चलो 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 चलो, और एक बार जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख के जाना मेरे भाइयों। तो चलो भाइयों। तो गाइस ये देख सकते हो ये मंदिर में जाने का मेन एंट्रेंस है। तो गाइस यहाँ पे जगह जगह पे साइन बोर्ड दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस मेरे सामने आप देख सकते हो ये सुग्रीव का किला है। तो गाइस मंदिर प्रांगण में हम एंट्री कर चुके हैं, आप मेरे सामने देख सकते हो, और श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा है आप देख सकते हो। फॉग के होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे आए जा रहे हैं। आप अगर दर्शन कर लिए हो तो टावर 7 के पास पहुँचने का कष्ट करें, किसी भी सुरक्षा कर्मी से टावर 7 का पता पूछते हुए चले जाइए। आप लाकर में जमा करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश करें। दर्शनार्थीगण कृपया ध्यान दें, आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, ब्लूटूथ, पानी का बाटल, खाद्य सामग्री, जूता चप्पल इत्यादि आप लाकर में जमा करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश करें। जय श्री राम। तो गाइज आपको मंदिर प्रांगण में ही देख सकते हो जूते चप्पल रखने की सुविधा मिल जाएगी, देख सकते हो गाइज। तो गाइज मंदिर के कुछ नियम चेंज हो गए हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको अपना सामान वगैरह, मोबाइल सब कुछ यहां पर जमा कराना होगा। देख सकते हो मेरे सामने लॉकर है, यहां पे लोग अपना सामान जमा करा रहे हैं। तो यहां पे मोबाइल जमा करके जाना पड़ेगा अंदर। 20 minutes later. जय श्री राम दोस्तों, फाइनली मैं दर्शन करके आ गया हूँ। बहुत ही बढ़िया से मेरे दर्शन हो गए हैं गाइस। मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा, पहले तो मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन जब मंदिर में गए ना और दर्शन हुए, ऐसा लग रहा था कि राम जी साक्षात सामने से देख रहे हैं मुझे, और मतलब आँखों में आंसू से आ गए थे मेरे। लिटरली मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मन अभी भी कर रहा है कि 2-3 बार और जाओ, मतलब मन नहीं भर रहा भाई। मन कर रहा है उनको देखते ही रहो, राम जी को वहीं बैठ जाओ, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा था भाई। और बस इतना कहना चाहूँगा, मुझे पहले लगा कि मोबाइल रख रहे हैं गलत है, लेकिन जब बांध में गया ना वहाँ पे, तो मुझे लगा मोबाइल उन्होंने रख जमा किया, बहुत बढ़िया किया मोबाइल जो रख लिया ना, बहुत बढ़िया किया। हालाँकि कॉन्टेंट शूट नहीं हो पा रहा, हमारे लिए तो कॉन्टेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन भाई जब आप अंदर आओगे ना तो आपको फील होगा कि भाई मोबाइल जो जमा किया ना बहुत बढ़िया किया इन्होंने। मैं तो भाई प्रशासन से बोलना चाहूँगा, अच्छा कि आपने मोबाइल जमा कर लिया, भला मेरा शूट नहीं हुआ, लेकिन भाई जो फील हुआ ना अंदर जाके, वो आपको तभी फील होगा जब आप आओगे यहाँ पे, ठीक है। और सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा, प्रशासन से यही निवेदन करूँगा, मोबाइल वगैरह बंद ही रखें, अंदर जाने ना दें, अलाउ ना करें बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिना कॉन्टेंट के ही काम कर लेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ ज़रूर आओ भाई, अगर अभी तक आप घर पर हो ना तो यार बेकार है भाई, प्लीज़ यार आओ, यहाँ पे दर्शन आराम से हो रहे हैं। आधे घंटे से पहले मैं बाहर आ गया, यहाँ से मैंने अपने
मोबाइल जमा किया, अपने जूते जमा किए और यहाँ से मेरे को आधा घंटा मिलने लगा, 20 मिनट में दर्शन करके आ गया मैं, आप लगा लो आप। और लोग बोल रहे हैं टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, कुछ नहीं है भाई, प्लीज़ आओ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, दर्शन करो, बहुत मज़ा आएगा भाई। तो देख लो भाई, आंसू से आ गए थे भाई जब, मतलब मैं वहाँ पहुँचा ना तो मेरे मुँह से आवाज़ निकल गई जय श्री राम जय श्री राम, मतलब पूरी बिल्डिंग मंदिर की मैंने हिला दी, मतलब इस हिसाब से आवाज़ लगा रहा था मैं, जय श्री राम के नारे लगा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई, मन तो कर रहा है कि अभी दोबारा जाऊँ, लेकिन देख लो यार अभी शूट भी करना है थोड़ा बहुत, उसके बाद अगर शाम को बनेगा तो एक बार और जाऊँगा। तो गाइस कमेंट में प्लीज़ यार जय श्री राम जरूर लिख देना, कुछ करो ना करो, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जय श्री राम लिख देना, आपके लिए आपका ही भला होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है। मैं तो आ गया मंदिर में और मैंने अपने लिए भी मांगा है, आप लोगों के लिए मांगा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भाई। और मंदिर का काम अभी चल ही रहा है, मैं आपको थोड़ा बहुत भाव से दिखा देता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ भाई। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो चलो 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 चलो, देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का काम चल रहा है अभी। गाइज एक रेस्टोरेंट में भी रुके हुए हैं, यहाँ पे कुछ खाने के लिए दर्शन करके आ रहे हैं, और अभी पूड़ी वगैरह के लिए बोला है, जैसी आती है आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी हम घूम रहे हैं अयोध्या की गलियों में, देख सकते हो कितना बढ़िया से यहाँ पे डेकोरेट करा गया है, श्री गंगा बेकर, और सामने हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर है। तो गाइस चल रहे हैं हम हनुमान मंदिर की ओर, देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं, प्रसाद वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो गाइस। तो गाइस हम फाइनली हनुमानगढ़ी पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हो सामने हनुमान जी का मंदिर है। तो गाइस फाइनली हमने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, देख लो। बाकी अब चलते हैं अपने रूम की ओर और आपको बताएंगे अपना रूम कैसा रूम लिया था हमने, तो चलते हैं भाई लोगों, वहीं मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे रुका हुआ था, आप सामने देख सकते हो, और मेरे जो पैसे लगे हैं यहाँ पे 500 रुपये लगे हैं। बाकी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया धर्मशाला है ये। तो गाइस जहाँ हमने रूम लिया है ये है कॉरिडोर, इस प्रकार से आप देख सकते हो, और ये रूम है हमारा 310 नंबर, ये देखो, और ये हमें पड़ा है 500 रुपये का, कुछ इस प्रकार है। तो एक बंदे के लिए काफ़ी है भाई ये रूम, देख सकते हो, और वाशरूम पीछे है वाशरूम। तो गाइज यहाँ पे हम धर्मशाला में रुके हुए थे, और ये भैया यहाँ पे हैं। भैया जी नमस्कार, आपको शुभ नाम। मेरा नाम मनोज मिश्रा है। भैया यहाँ पे किसी को आना हो तो मतलब कांटेक्ट कैसे करेगा, थोड़ा बता दीजिए कांटेक्ट नंबर अपना। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9235185228, ठीक है। गाइस चेकआउट करके हम निकल चुके हैं अपने रूम से, और जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाया, सब कुछ कवर करके दिखाया, और यहाँ से ना राम मंदिर से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर ये आपको मिल जाएगा आश्रम, तो काफ़ी बढ़िया है ये, तो यहाँ पर जरूर आएँ विज़िट करें, और आसपास भी पूछ लें अगर आपको लगे कि अच्छा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जो भी है आपको, आपको अगर रूम वगैरह लेना है तो बगल में ही मिल जाएंगे, इधर पे भी है 1600-2000 रुपए के। बाकी मैंने आपको ये बता दिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट में, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।